हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि दही के साथ किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। देखिए, दही एक ऐसा आहार है जो स्वादिष्ट तो होता ही है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है, शरीर में प्रोटीन की कमी को दूर करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें हम दही के साथ खाते हैं वो विरुद्धाहार की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है मछली। कभी भी मछली के साथ दही का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों में प्रोटीन होता है, दोनों की तासीर अलग होती है। ऐसे में इनका एक साथ सेवन करने से इन्फेक्शन, उल्टी दस्त के साथ तबीयत खराब होने की समस्या हो सकती है। दूसरी चीज़ है तली हुई चीज़ें। अक्सर लोग तली हुई चीज़ें जैसे पकौड़े, समोसे, पराठे के साथ दही खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के प्रति प्रकृति अलग होने की वजह से इन चिकनी चीज़ों को पचाने में दही का यदि आप सेवन करते हैं तो ये अवरोधक का काम करने लगती है। इससे पाचन तो गड़बड़ होता ही है, दही से मिलने वाले पोषक तत्व भी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसके अलावा आम, आम को दही के साथ नहीं खाना चाहिए, इससे हमें फूड पॉइजनिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। दोनों की तासीर अलग होती है, आम गर्म होता है, दही ठंडी होती है। ऐसे में ये विषाक्त पदार्थ हमारे बॉडी में बढ़ा सकती है। इसके अलावा प्याज खाना एक आम बात है, लेकिन इसका मिश्रण रायता से लेकर चटनी तक में लोग आजकल करने लगे हैं, लेकिन ये पेट के लिए हानिकारक होता है। दोनों को एक साथ खाने से एसिडिटी की समस्या बढ़ती है। इसके अलावा दूध और दही को भी एक साथ कभी नहीं लेना चाहिए, दोनों की जो तासीर होती है वो बिल्कुल अलग होती है। यदि आप दूध के साथ दही खाते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखें कि दही के में यदि आप नमक डालते हैं तो उसके सारे गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। तो कोशिश करें दही को फीका, गुड़ या चीनी के साथ ही खाएं। ये दही की तासीर के साथ मैच करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ें दही के गुड बैक्टीरिया को मारती नहीं हैं। और इसके अलावा एक विशेष चीज़ का ध्यान रखें कि उड़द की दाल या उड़द के साथ बनने वाली किसी भी चीज़ को दही के साथ नहीं खाएं। जैसे कि हम दही बड़े खाते हैं, दही बड़ा बिल्कुल विरुद्ध प्रकृति का होता है और आयुर्वेद में इसे खाने की बिल्कुल मनाही है। और खासकर उड़द की दाल का जो बड़ा आप खाते हैं दही के साथ, वो बहुत नुकसानदेह होता है। तो कोशिश करें कम सेवन करें इन चीज़ों का। कभी महीने में एक आधा बार सेवन कर लिया यदि आपको स्वाद में पसंद है, इससे ज़्यादा ना खाएं, अन्यथा ये आपके शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसमें तो शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।